मारुति सुजुकी ओल्ड मॉडल के अंदर जब तक ये लाइट ब्लिंक करेगा तब तक गाड़ी स्टार्ट होने वाला नहीं है, चाहे जितना भी सेल्फ लगा लो। ये की कोडिंग का रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो ये लाइट ब्लिंक करेगा। और न्यू गाड़ी के अंदर अलग अलग टाइप के सिंबल रहते हैं, तो आज का वीडियो इसके बारे में ही है कि क्या प्रॉब्लम होता है तो गाड़ी सिक्योरिटी सिस्टम में, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। रीड्स गाड़ी है फ्रेंड्स, डीजल कार है और इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम इमोबिलाइजर का है फ्रेंड्स। तो अभी गाड़ी ओल्ड मॉडल है तो इसके लिए चाबी का जो सिंबल आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, गाड़ी का इग्निशन ऑन है, लेकिन जब भी इमोबिलाइजर का प्रॉब्लम आएगा तो ये सेटिंग वाला जो कार के ऊपर स्पिनर दौरा हुआ है वही लाइट ब्लिंक करेगी फ्रेंड्स। और गाड़ी को चाहे जितना भी सेल्फ स्टार्टर आप लगा लो लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और जब दो तरह के प्रॉब्लम आता है, एक करंट प्रॉब्लम आता है यानी कि जब भी लगाओ तो ये स्पिनर और गाड़ी का जो कोडिंग का है वो लाइट ब्लिंक ही करेगा। और एक कुछ गाड़ियों के अंदर ऐसा होता है कि चाबी ऑन ऑफ करके दो बार लगाओ तो वापस हो भी जाता है, तो इस गाड़ी में इस तरीके का प्रॉब्लम है। तो मैं दिखाने वाला हूं आपको, चाबी ऑन ऑफ करूंगा तो फिर से हो जाएगा। तो अब गाड़ी के चाहे जितना भी सेल्फ लगा लो कार स्टार्ट होने वाले नहीं है, क्योंकि ये अनपेयर बता रहा है इमोबिलाइजर सिस्टम सिक्योरिटी। तो इसके अंदर एंटेना माल फंक्शन है, जो चाबी के अंदर ट्रांसपाउंडर रहता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी एंटेना जो चाबी लगी थी वहाँ पे लगा रहता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो अभी ये गाड़ी स्टार्ट होने वाला नहीं है, ये सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर दिक्कत दिखा रहा है। तो चाबी को ऑन ऑफ करेंगे तो हो जाएगा। तो लाइट स्टेबल है फ्रेंड्स, लगाते स्टार्टर, हाफ सेल में गाड़ी स्टार्ट है, लाइट भी चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे भी हिस्टोरिकल प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे TTC यानी कि पहले था अभी नहीं है। और गाड़ी को अब चाहे जितनी बार आप स्टार्ट और बंद कर सकते हो, लाइट भी चला जाएगा, तो गाड़ी ओके है फ्रेंड्स। लेकिन इसके अंदर जो P1625 का जो कोड DTC आ रहा है उसी का ही प्रॉब्लम है। तो ये ज़्यादातर गाड़ी के अंदर कभी कभी ये इस तरीके से होता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आप चाहे जितना लंबा सेल्फ लगाओ, लेकिन इग्निशन ऑफ करके ऑन करके दो तीन बार करोगे तो हो जाएगा। इस कार के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है P1625 एंटेना माल फंक्शन, ये एंटेना है जो गाड़ी के अंदर स्टेयरिंग के चाबी लगती वहाँ पर लगा रहता है, वो आइडेंटिफाई करता है इस गाड़ी की चाबी है या नहीं। और ये पूरा सिस्टम होता है गाड़ी के अंदर जो इमोबिलाइजर का, गाड़ी की जो चाबी होती है उस गाड़ी से ही स्टार्ट होती है, दूसरी गाड़ी की चाबी से स्टार्ट नहीं होगी, सेल्फ लगेगा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम पूरा होता है, हर कोई गाड़ी के अलग अलग तरीके से लाइट दिया गया है गाड़ी का, जब तक ये अनपेयर रहेगा तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। कार के की के अंदर एक चिप्स रहती है, वो चिप्स को ट्रांसपाउंडर कहते हैं, और वो गाड़ी के एंटेना के बीच में रेडियो फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट रहता है और तभी गाड़ी को स्टार्ट करने देता है कि ये इस गाड़ी की चाबी है, ये गाड़ी सिक्योरिटी कंप्लीट है। और ये सिक्योरिटी का जो पूरा वायरिंग और जो पार्ट्स आते हैं उसके अंदर कभी दिक्कत होती है तो भी ऐसा होता है, और कई बार दूसरी चाबी लगाते हैं तो भी ऐसा होता है। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम गाड़ी को स्टार्ट होने नहीं देगा। ये इसका डायग्राम।